मैं डॉक्टर स्नेहल दोंदे महाराष्ट्र से हूँ, जलनायक जो नदी रिजुविनेशन का काम कर रही हूँ गंगा नदी पर, और महाराष्ट्र में भी कुछ नदियों पर, वालधुनी, उल्लास, भातसा और कामवारी नदी पर, त्रिपुरा में भी हावड़ा और गोमती नदियों पर काम कर रही हूँ। सिल्टेशन सेडिमेंटेशन के इशू को कैसे टैकल किया जा सकता है, किस तरह से इसको रोका जा सकता है और नदी की प्रवाह बढ़ाई जा सकती है, उस पर काम करती हूँ। अभी जो देखा जा रहा है, ये जो कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है, इससे जो आज पूरी दुनिया त्रस्त है, इसका भी एक वजह तो यही है कि जिस तरह से हम लोगों ने एनवायरनमेंट को बिल्कुल नेगलेक्ट किया, नेचर के साथ जो खिलवाड़ किया, उसका नतीजा ही है आज हम सब घरों के अंदर बंद पड़े हैं और पशु पक्षियां आराम से नेचर में घूम रहे हैं, जो कि उनका असली स्थान है और जिसको हम एनक्रोच कर करके हमने उनकी जगह सारा कैप्चर कर लिया था। और इसी वजह से है कि जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ गया, एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सब होकर, और वाटर स्केयरसिटी का भी हम लोग देख रहे हैं दुनिया भर में किस तरह से इश्यूज़ है। मगर आज जो पूरी दुनिया में ये जो कोरोना वायरस फैला है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है हम सब डिसिप्लिन से लॉकडाउन का पालन करें, लॉकडाउन में हम लोग सही तरीके से उसका उपयोग करें, घर में रहकर हम लोग जितना हो सके अच्छा सा अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में कि कोरोना को कैसे हम लोगों ने कोरोना को मात देना है, अपने देश को, सारे दुनिया भर के देश को किस तरह से हम सही तरीके से हम लोग रह सकते हैं, उसके लिए हमको विचार करना है, साथ देना है एक दूसरे को, एक दूसरे को मदद करना है, और जितना हो सके हम लोग अपने जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थे उसको वापस से जागरूक करके हम लोग वो सब चीज़ों को फॉलो करें। जैसे कि मिनिमम हमको खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, घर में आने से पहले हाथ पांव धोना चाहिए, घर बाहर से आने से हाथ पांव धोना चाहिए, हमको जब हम वॉशरूम जाते हैं उसके बाद में हमने अच्छी तरह से अपना हाथ धोना चाहिए। हर समय पर अगर हम हाइजीन का सही तरीके से समझें और उसको फॉलो करें, हम कोरोना को बहुत अच्छी तरह से मात दे सकते हैं। फिलहाल तो अभी ज़रूरी है, जो ये नई तरीके की मॉडर्न वर्ल्ड का जो मॉडर्न चैलेंजेस, उसमें ये जो नया सोशल डिस्टेंसिंग जो आया है उसको भी हम ठीक तरह से फॉलो करें। जब हम बाहर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो परिवार का एक ही पर्सन घर से बाहर जाए सामान लाने के लिए, बाकी घर ही में रहें, और अगर आपको बहुत इच्छा होती है तो आप दोस्तों के साथ में फ़ोन पर ही बात कर सकते हैं, घर पर किसी को ना बुलाएं, ना आप किसी के घर जाएं, और घर पर रहकर ही पूरी डिसिप्लिन फॉलो करें। यही मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी, और सभी लोग एक दूसरे के साथ प्यार भाईचारा बढ़ाएं। ये बहुत ही अच्छा मौका मिला है, नेचर ने आज हम लोगों को बहुत अच्छा मौका दिया है कि हम अपने लोगों से जुड़ें, अपने परिवार के माँ बाप और अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ में भी बहुत अच्छा टाइम बिताएं, अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करें, और अच्छा आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। योगा, मेडिटेशन, इस चीज़ों पे अगर आप ज़्यादा कर सकें इस दौरान बहुत अच्छा होगा, जिससे आपकी मेंटल और फिज़िकल फिटनेस बहुत अच्छी बनी रहेगी, साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग रहेंगे तो आपको कोई भी वायरस आपको छू भी नहीं सकता, आप ज़रूर सेहतमंद रहेंगे। इसलिए मैं आपसे आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप लोग सब घर में सेफ रहें और अच्छी तरह से रहें।